आएगा। अब अगर मान लो किसी भी चीज़ की एडवांटेजेस हैं तो ऑब्वियस है कि उसकी लिमिटेशंस भी होंगी, उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी होंगे। अब अकाउंटिंग के ड्रॉबैक्स क्या होते हैं वो देखते हैं। अकाउंटिंग इज़ नॉट फुल्ली एग्जैक्ट, फर्स्ट वन इज़ अकाउंटिंग इज़ नॉट फुल्ली एग्जैक्ट, यानी इसमें जो मेजरमेंट्स हैं वो एग्जैक्ट नहीं होते, इसमें हम एस्टीमेट्स भी लगा लेते हैं कई बार। एस्टीमेट्स लगाने का मतलब है कि अगर हम इतनी कॉस्ट के प्रोडक्ट्स लेकर आते हैं तो हम उस उनको इस प्राइस पर बेच सकते हैं, बट इट डिपेंड्स ऑन कि हो सकता है कि गवर्नमेंट उतना प्राइस ना माने, उससे कम पर ले, या हो सकता है उससे ज़्यादा भी हो जाए। तो हम एक एस्टीमेशन के अकॉर्डिंग भी कई चीज़ें करते हैं, इसलिए इसमें जो अकाउंटिंग में जो मॉनिटरी टर्म्स होती हैं वो कई बार एग्जैक्ट नहीं होती हैं। इट इग्नोर्स प्राइस लेवल चेंजेस, प्राइस लेवल चेंजेस की ये बिल्कुल इसको इग्नोर कर देता है। कैसे, इसका एग्जांपल ले सकते हैं। मान लो लास्ट ईयर मैंने एक लैंड लिया, लैंड की वैल्यू थी 10 लाख, लेकिन एक साल बाद मान लीजिए उसकी मार्केट वैल्यू 12 लाख हो गई, या 15 हो गई, या 18 लाख हो गई, तो लेकिन मेरी बुक्स के लिए वो इमटीरियल है, मेरी बुक्स में इनका कोई लेना देना नहीं है कि ये कितनी ग्रोथ कर रही हैं या कितनी डिमोट हो रही हैं। मेरी बुक्स में इनकी प्रेजेंट वैल्यू जितनी थी वही वैल्यू रहेगी, विच इज़ 10 लाख। तो इसलिए ये प्राइस लेवल चेंजेस को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। इट इग्नोर्स क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, अब हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में बता दिया था कि ये सिर्फ मॉनेटरी टर्म यानी क्वांटिटी को देखता है, क्वालिटी को कहीं भी नहीं देखता। इसका सिंपल एग्जांपल दूं मैं, अगर क्वालिटी ऑफ माय स्टाफ, मान लो मेरे स्टाफ में 2-3 ऐसे पर्सन हैं जो बिल्कुल काम नहीं करते हैं, उनकी वजह से मेरी प्रोडक्टिविटी जो है वो धीरे धीरे कम हो रही है। अब प्रोडक्टिविटी कम तो हो रही है मेरी स्टाफ की वजह से, लेकिन मैं अपने अकाउंट्स में क्या करती हूँ, सिर्फ मॉनेटरी टर्म को देखते हैं, और मॉनेटरी टर्म्स के हिसाब से अगर हम देखें तो हमें समझ नहीं आ पा रहा कि हमारे प्रोडक्ट में कमी कहाँ हो रही है। तो अल्टीमेटली ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को पूरी तरह से इग्नोर करता है। अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग, विंडो ड्रेसिंग क्या होता है, विंडो ड्रेसिंग, विंडो शॉपिंग के बारे में आप लोगों ने सुना है। विंडो शॉपिंग में हम क्या करते हैं कि हर चीज़ को देख कर आते हैं और उसे खरीदते नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर विंडो ड्रेसिंग जो है वो कम्प्लीटली बायसनेस को कहा जाता है। बायसनेस का मतलब होता है कि हमारा प्रोडक्ट है इतना सा, लेकिन उस पर बहुत अच्छे से उसका मेकअप वेकअप करके उस प्रोडक्ट को बहुत बड़ा करके दिखा देना, बहुत एक्सजरेट करके दिखा देना। जैसे कि हम लक्स का एग्जांपल लें, लक्स कितने रुपीज़ का है हमारे पास, 15 या 20 रुपीज़ का आता है, लेकिन हम उसे क्यों ख़रीदते हैं, क्योंकि उसकी ऐड ऐश्वर्या राय भी देती है, उसकी ऐड प्रियंका चोपड़ा भी देती है। तो वो एक्सजरेट करके दिखाया जाता है कि जो है कि ये लक्स जो है देखो इतने बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ भी यूज़ करती हैं, तो हमारे प्रोडक्ट्स को इस तरह से शो किया जाता है। दूसरा एग्जांपल मैं इसका ये भी दे सकती हूँ कि हमारे जो टोटल प्रॉफिट्स हैं वो प्रॉफिट्स इतने हाई करके दिखाए जाते हैं ताकि हम गवर्नमेंट से जो सब्सिडीज लेनी है या